Hi everyone, back to Step by Step. मैं हूं अनिल सिद्धू एंगलोर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रीवन फॉर्म की और जब हम लोग फॉर्म और वैल्यू वगैरह गेट करेंगे ना वहां पे हर जगह पे यूज करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रीवन फॉर्म मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं टेम्पलेट ड्रीवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म के ऊपर हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे बट यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रीवन फॉर्म्स के ऊपर ही सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा कि होते क्या है क्यों यूज करते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को उसके बाद में एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे उसकी वैल्यू घट करेंगे प्रिंट करके देखेंगे वैल्यू और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं जिन फॉर्म की हैंडलिंग हमारी टेम्पलेट साइड पर होती है टेम्पलेट साइड क्या होती है दो तरीके की फाइल होती है हमारी एक तो एच वाली और एक इनको बोलते हैं टेम्पलेट फाइल और जो टी फाइल होती है इनको बोलते हैं हम लोग क्लास फाइल सो जिन फॉर्म्स की हैंडलिंग एच वाली साइड यानी कि टेम्पलेट वाली साइड होती है उनको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट ड्रीवन फॉर्म और uh, यहां पे हम हैंडल क्या क्या करते हैं जो हमें फॉर्म के अंदर वैल्यू को uh, चाहे सेट करवाना हो या फिर गेट करवाना हो एरर्स वगैरह दिखाने हो करने हो वैलिडेशन अप्लाई सारा का सारा काम हमारा एच वाली साइड होता है और रिएक्टिव के अंदर सारा का सारा काम किसके अंदर होता है वाली फाइल के अंदर बट वहां पे हम लोग अभी फोकस नहीं कर रहे सो so, उसको हमें भी छोड़ देते हैं सो so, अभी मैं क्या करता हूं सिंपल फॉर्म बनाता हूं सिंपल फॉर्म बनाने के बाद में उसकी वैल्यू वगैरह गेट करनी है राइट right? सो so, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा फॉर्म की हमें यहाँ पे एक्शन की जरूरत नहीं होती एक्शन की हमें नॉर्मल एच वाले जो कोर एच टी एमल कोड होता है ना उसके अंदर जरूरत के अंदर जरूरत होती है चाहे आप लोग रिएक्ट uh, यूज करो या फिर व्यू यूज करो या फिर एंगलर यूज करो यहाँ पे हमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद में इस फॉर्म को हमें एक नाम भी देना होता है ठीक है सो so, मैं यहाँ पे इसकी एक आईडी दे देता हूँ uh, आप लोग इसको बोल सकते हो uh, टेम्पलेट रेफर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो चाहो तो सो तो इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ लॉग इन फॉर्म और ये बेसिकली पार्ट रहेगा हमारे एन जी फॉर्म का Great. इतना बना दिया अब इसके अंदर हम लोग कुछ फील्ड्स बना लेते हैं मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे और मैं यहां पे रखता हूँ प्लेस होल्डर इस लिख देता हूँ एंटर नेम और उसके बाद में यहां पे हम लोग लिख देते हैं नेम इसका नाम भी क्या रहेगा नेम ही रख देते हैं ठीक है एक नेम रहेगा और जो सेकंड वन रहेगा हमारा वो रहेगा पासवर्ड एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बनाएंगे ये लॉगिन करके नहीं दिखाएगा बिकॉज इज जस्ट फॉर्म है अब इसके अंदर वगैरह इंटीग्रेटेड नहीं है लॉग इन करने के लिए वगैरह बहुत कुछ चाहिए होती है वो हम लोग बाद में भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तब करेंगे उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं इसका मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ टाइप रखता हूँ पासवर्ड प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एंटर पासवर्ड और नेम भी मैं रख देता हूँ पासवर्ड और उसके बाद में फिर से हम लोग दो बीआर टैग ले सकते हैं आप चाहो तो जो बी टैग वाला काम है ना ये सीएसएस से कर सकते हो ताकि मैं भी सीएसएस पे फोकस नहीं कर रहा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बी टैग लगा रहा हूँ बाकी बी टैग लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती है सो so, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग इन दट से देखते हैं हमारे पास क्या बन गया है सबसे पहले हमारे पास एरर आ गया है एरर इसकी वजह से आया बिकॉज जो ng फॉर्म है ना इसको मिला नहीं है सो so उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए आपको जाना पड़ता है आपके कॉम्पोनेट के मॉड्यूल में अभी के लिए एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस एस के अंदर जाएंगे और यहां पर हम लोग इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रोम एट angular फॉर्म्स और क्या निकालेंगे फॉर्म मॉड्यूल फॉर्म मॉड्यूल और उसके बाद में इसको मैं रजिस्टर भी करना होता है कहाँ पे इंपोर्ट्स में तो क्या okay, मैंने इसको इंपोर्ट करा है ग्रेट अब आते हैं वापस से यहाँ पे इसको एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो जब भी एरर आता है कई बार रिफ्रेश की वजह से प्रॉब्लम आती है ना करने की वजह से ओके राइट सो फॉर्म आ गया इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई हैं मैंने पहले वो सेव कर दिया होगा यहां से हटाते हैं तो एंटर नेम और एंटर पासवर्ड भी तरीके से आ गया जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए कुछ एक्शन नहीं हो रहा है ठीक है सो so, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं धीरे धीरे चीज आपको बताऊंगा और इसके ऊपर हम लोग कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट से लॉगिन यूजर या फिर यूजर लॉगिन करता हूँ लॉगिन यूजर क्या होता है लॉग इन और यहाँ पे एक जो फंक्शन होगा इसको मैं डिफाइन भी करूँगा सो so, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को बना देता हूँ और यहाँ पे कंसोल करवाते हैं जो कंसोल डॉट वॉन करवा लो या फिर log करवा लो आपकी मर्जी है यहाँ पे लेके आता हूँ मैं आइटम आइटम का टाइप होना चाहिए अभी के लिए आइटम का टाइप मैं एन रख रहा हूँ ठीक है बाद में आप इसको यूज कर लेना जैसे भी आपको करना हो बट अभी के लिए मैं इसको एन ही रख रहा हूँ एंड देन हम लोग आइटम को प्रिंट करवा देंगे आपको पता है ना एनी क्या होता है एनी नंबर टाइप 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 ये ये इसका टाइप होता है स्क्रिप्ट की वजह से आते हैं ताकि बिकॉज हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर सो so मैं टाइप के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं ग्रेट सो उसके बाद में हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है बट इसके अंदर में कुछ वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी अगर कर हमने यहाँ से कुछ वैल्यू गेट करी है तो ठीक है सो so, यहां पर हम लोग क्या पास करेंगे सिंपली यहां पर पास करेंगे हमारा फॉर्म का नाम जो हमने यहां पर रखा है यहाँ पे ठीक है डॉट वैल्यू ताकि इन फील्ड्स की हमारे पास वैल्यू भी आ पाए अभी के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ देखो मैंने यहां क्लिक करा कुछ डाटा मिल गया आपको बट इनकी वैल्यूज हमारे पास अभी भी नहीं आई ठीक है इसको अगर मैं मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। और, इनको क्लीन करता हूं। यहाँ पे लिखता हूं अनिल और पासवर्ड में वन टू थ्री कुछ भी लिख देता हूँ लॉग इन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे वैल्यू हमारे पास नहीं आई बिल्कुल ब्लैंक है रीजन बींग जब भी हमें इनके हाथ में वैल्यू अटैच करनी होती है ना तो उसके लिए हमें एनजी मॉडल डिफाइन करना पड़ता है यहां पे फील्ड्स के साथ में अभी तक फॉर्म बन गया है सब कुछ ठीक है बट इसको नहीं पता कि मेरे पास कितनी फील्ड है किससे क्या कनेक्ट होना है इसीलिए अगर इन फील्ड्स को इस फॉर्म से बाइंड करना है कनेक्ट करना है सिंपली हमें लिखना पड़ेगा एन मॉडल और अब ये काम करेगा यहां पे ओके ये पता नहीं रिफ्रेश क्यों मांग रहा है ये आज रिफ्रेश मांगते तो नहीं है राइट right. सो so, अभी मैं इसमें कुछ एंटर करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल और पासवर्ड ए बी सी एट द रेट वन टू थ्री कुछ लिखता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और देखिए अब नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों आ गए हैं ठीक है सो so, ये होगा हमारा बेसिक फॉर्म आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम वैलिडेशन वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं प्रीफिल वगैरह कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन अभी एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं पहली चीज अगर मैं इन फील्ड को नाम ना दूं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया है तो क्या होने वाला है देखिए, जैसे मैं इन फील्ड का नाम हटा देता हूं तो आपको मिलेगी एरर। बिकॉज जब भी हम लोग एनजी मॉडल यूज करते हैं और टेम्पलेट करते, करते हैं तो हमें है कि आपको इस तरीके से यूज करना चाहिए बट हम सिंपली यूज कर रहे हैं इस तरीके से वो भी चल जाएगा ग्रेट ये तो गया फर्स्ट तरीका सेकेंड चीज क्वेश्चन क्या अगर मेरे पास एक बटन इससे बाहर है फॉर्म से और मैं उसके ऊपर वैल्यू गेट करना चाहता हूं तो क्या एड कर सकता हूं बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप यहां पे एक बटन बनाओ और यहां पे लिख दो आउटसाइड लॉग इन और जस्ट कुछ भी लिख दो जो भी आपको ठीक लगे और इसको उठा के लेके आओ बस ठीक है यहां और यहां पे लिखो क्लिक बिकॉज ये फंक्शन तो हम लोग बना ही सकते हैं ये तो हमने हमने बनाया है सेम और ये वाली वैल्यू इस फॉर्म से उठ के आएगी ये वाला इस फॉर्म का नाम रहेगा उसकी वैल्यू उठ के आएगी अब मैं जब यहां से भी क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है और यहां से भी क्लिक करता हूं तो भी वैल्यू आ रही है इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा ग्रेट सो so, अब अगर मुझे की वैल्यू नाम गेट करना हो कि क्या फील्ड है तो मैं क्या गेट कर सकता हूं बिल्कुल गेट कर सकते हो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इसको मैं हटा देता हूं इसकी जरूरत है ना यहां पर और यहां पर लिख देता हूं अभी के लिए मैं कंट्रोल्स जैसे आप कंट्रोल्स लिखोगे जितनी भी इसके अंदर फील्ड्स होंगी सारी की सारी आ जाएंगी मैं यहां पे क्लिक करता हूं अब देखिए फॉर्म कंट्रोल के अंदर नेम और पासवर्ड दोनों फील्ड है ना दोनों फील्ड की पूरा पूरा डेटा आ गया है वैलिड है कि नहीं है ये डिसेबल्ड है इनेबल है सारी की सारी चीजें आ गई जितने फंक्शंस होते हैं वो भी आ गए राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बाय बाय टेक केयर